माय चैनल स्टडीज एरा विद संस्कृति। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7th के सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन कर लीजिए, उसके बाद आप लेसन का नाम मेंशन कर लीजिए, उसके बाद कौन सा लेसन है वो मेंशन कर लीजिए। तो ये कॉम्प्रिहेंशन ट्रैक है पार्ट फर्स्ट का। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज दिस स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द टेक्लिस्ट फेरस मींस हाईली एग्जैजरेटेड टू रिमार्केबल टू बी ट्रू नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो जिसका आंसर होगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए इज एन आंट इज स्मॉलेस्ट, एन आंट इज स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट, ये इसका आंसर है। बी इज वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज, इसका आंसर है वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट आंट लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो जिसका थर्ड क्वेश्चन है गाइज वो मैं भूल गई थी, तो मैंने वो नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। तो ये थर्ड वन इज है इन व्हाट वे इज एंट लाइफ पीसफुल, एंड आंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज दे डू देयर ओन वर्क एंड नेवर फाइट विद अदर आंट्स ऑफ दिस सेम ग्रुप, दे नो शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन एंड डू नॉट इंटरफेस इन द अदर वर्क। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो अब हम पार्ट टू, अब हम आ चुके हैं कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर पार्ट टू के। क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कम्प्लीट आंट। 5-6 वीक्स इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कम्प्लीट आंट। वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। थर्ड वन इज व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर, वर्कर्स सोल्जर्स बिल्डर्स क्लीनर्स एक्सेप्टर जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर। क्वेश्चन फोर इज नेम सम अदर क्रिएचर डेट लिव इन एंटिल्स, बीटल्स लेजर बीट्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई अदर क्रिएचर डेट लिव इन एंटिल्स। क्वेश्चन फिफ्थ इज मेंशन थ्री थिंग्स वी कैन लर्न फॉर द टाइनी टीचर, गिव रीजन फॉर चूजिंग दिस आइटम। तो गाइज जो आपको थ्री उसमें अच्छे लगे टाइनी टीचर की एक्टिविटीज और उसकी बातें, तो आप बोल सकते हैं मेरे को जो थ्री अच्छी लगी मैंने वो लिखी और उसके रीजन लिखे हैं। हार्ड वर्किंग का रीजन है बिकॉज प्रेजेंट जनरेशन इज वेरी लेजी एंड नॉट हार्ड वर्किंग। सेकेंड इज अफेम ऑफ लॉयल्टी, रीजन इज बिकॉज ह्यूमन डू नॉट मीट टूगेदर so loyalty toward it. Third is care for the young ones and above all reason and humans not be respect each other. तो जो अब इसकी एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, और जो इसकी एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस का है अपनी फैमिली क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सेकंड इज कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो द रिसाइट द पोएम। तो हम इसको करने के बाद पोएम रिसाइट करेंगे। Soldiers live in barracks and birds in nests, much like a snake that nests in a hole. No horse is able to sleep except in a stable. इनके आंसर ये जो मैंने ब्लू पेन से लिख रखे हैं इनके ये आंसर्स हैं। And a dog lives well, mind you, only in a kennel. To say he to an ant, if you will, you may have to climb an anthill. तो अब हम इसको रिसाइट करते हैं, रिसाइट पोएम। सोल्जर्स लिव इन बराक एंड बर्ड्स इन नेस्ट मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए होल, नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन ए स्टेबल एंड ए डॉग लिव्स वेल, माइंड यू ओनली इन ए कैनल, टू से ही टू एन आंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन एंटिल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।